हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म। तो इस चैप्टर में हम मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इन अ लिविंग सेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड मैनर। तो हमारे पास एक लिविंग सेल में बहुत सारे रिएक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं एक साथ, अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, इंटीग्रेटेड मैनर में हो रहे होते हैं। द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द लिविंग सिस्टम आर कलेक्टिवली रेफर टू एज मेटाबॉलिज्म। तो जो हमारे पास ये सारे केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग सेल में हो रहे हैं, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं एक लिविंग सेल में। अब मेटाबॉलिक पाथवे और मेटाबॉलिक मैप कंस्टिट्यूट्स अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। तो एक मेटाबॉलिक पाथवे में या फिर मेटाबॉलिक मैप में क्या होता है कि बहुत सारे सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, और फिर उन एंजाइमेटिक रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। द टर्म मेटाबोलाइट इज अप्लाइड टू अ सबस्ट्रेट और एन इंटरमीडिएट और अ प्रोडक्ट इन द मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो जो टर्म मेटाबोलाइट है वो हमारे पास सबस्ट्रेट के लिए या फिर इंटरमीडिएट के लिए या फिर जो प्रोडक्ट है उसके लिए अप्लाई की जाती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। मतलब सबस्ट्रेट होगा या फिर कोई इंटरमीडिएट है उस रिएक्शन में या फिर उस रिएक्शन का कोई प्रोडक्ट है, तो सबको हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज फिगर 12.1। मेटाबॉलिज्म हमारे पास ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ये हमारे पास फिगर 12.1 में दिखाया गया है। तो मैं आपको बाद में फिगर 12.1 दिखाती हूँ। तो नंबर वन कैटेगरी हमारे पास है कैटाबॉलिज्म और नंबर टू है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या है? द डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस कंसर्न्ड विद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपलर वंस विद अ कॉनकॉमिटेंट रिलीज ऑफ एनर्जी। तो कैटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है? कैटाबॉलिज्म में हमारे पास डिग्रेडेटिव प्रोसेसेस होते हैं। मतलब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेकडाउन होगा, वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी भी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म क्या है? द बायोसिंथेटिक रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल प्रीकर्सर्स। एनाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होगा? बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होंगे, इसमें क्या होगा, सिंपलर प्रीकर्सर्स से हमारे पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था? कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, इसमें क्या होगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म इज रादर difficult since there are several intermediates common to both the processes। तो जो हमारे पास क्लियर डिमार्केशन है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के बीच में, वो डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि दोनों प्रोसेसेस में कॉमन होते हैं, तो क्लियरली डिमार्क करना मुश्किल है कैटाबॉलिज्म को और एनाबॉलिज्म को। द टर्म एम्फीबॉलिज्म इज ऑल्सो इन यूज फॉर रिएक्शंस विच आर बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक इन नेचर। तो जो टर्म एम्फीबॉलिज्म है वो हमारे पास उन रिएक्शंस के लिए यूज की जाती है जो कि हमारे पास दोनों नेचर रखते हैं, वो कैटाबॉलिक भी होते हैं एनाबॉलिक भी होते हैं। तो ये हमारे पास फिगर 12.1 है, इसमें हमारे पास आउटलाइन दी हुई है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की। तो यहाँ पे एक तरफ कैटाबॉलिज्म दिया हुआ है और दूसरी तरफ एनाबॉलिज्म दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है वो हमारे पास एनर्जी पुअर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो है वो सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कैटाबॉलिज्म में जो है वो हमारे पास एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, और जब वो एनर्जी पुअर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, और एनाबॉलिज्म में आप देख सकते हैं एनर्जी पुअर कंपाउंड्स जो हैं वो एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।